प्लास्टिक क्या है और वो वातावरण पर किस तरह असर डालते हैं। हम हर रोज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पेन के ऊपर प्लास्टिक की परत होती है, हम सब्जियों को प्लास्टिक की थैलियों में लाते हैं, हमारे टैबलेट पर प्लास्टिक है और हमारे शैम्पू में भी प्लास्टिक के कण हो सकते हैं। आखिर पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों होता है? प्लास्टिक स्वाभाविक तरीके से नहीं सड़ते, यानी उसका आसानी से बिखरना नहीं होता। इंडस्ट्री उनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो टिकाऊ होते हैं, उन्हें अलग अलग आकार में डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक से ये बाल्टी और थैली दोनों बनाए जाते हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग है। लेकिन यही टिकाऊपन वातावरण के लिए बहुत बुरा साबित होता है। जीवाणुओं के जरिए प्लास्टिक का बिखराव नहीं होता, हो सकता है अल्ट्रावायलेट रोशनी से उनके नन्हे नन्हे टुकड़े किए जा सके, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक जमा हो रहा है। समुद्र में समुद्री कछुए और अन्य जीव प्लास्टिक की थालियों में फंस कर डूब जाते हैं। वो उन्हें खाने की कोशिश करते हैं और उससे या तो उनका दम घुट जाता है या उन्हें पेट की बीमारी हो जाती है। इससे हर तरफ गंदगी दिखती है और बारिश के मौसम में वो नालियों के जालीदार ढक्कन में फंसकर बाढ़ का कारण भी बनते हैं। वैज्ञानिकों ने एक सेमी बायोडिग्रेडेबल विकल्प ढूंढ निकाला है, एक ऐसे प्लास्टिक जिसमें स्टार्च मिला होता है। स्टार्च बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि वो शक्कर से बनता है, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक के बिखराव में तेज़ी लाता है। आप अपने घर में ही प्लास्टिक कचरे को कम कर सकते हैं। फिर से इस्तेमाल किए जाने वाले स्ट्रॉ और कपड़े की थालियाँ और ख़रीदें, और जहाँ कहीं भी प्लास्टिक कचरे देखें उसे उठाएं।